मिर्ज़ापुर सीरीज़ के एक्टर अली फजल ने मिर्ज़ापुर 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है और एक खुलासा भी किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक फैन के सवाल पर एक्टर ने बड़ा राज खोल दिया है। सक्सेसफुल वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के अगले सीजन को लेकर फैंस का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। मिर्ज़ापुर 3 जल्द ही रिलीज हो सकती है, लेकिन इसकी रिलीज डेट को लेकर अब तक कोई खबर नहीं है। हालांकि इसी बीच इस सीरीज से जुड़े कलाकार इसकी रिलीज डेट को लेकर हिंट देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अभिनेता अली फजल ने मिर्ज़ापुर 3 की रिलीज डेट को लेकर बड़ा हिंट दिया है। बता दें कि इस वेब सीरीज में अली फजल ने गुड्डू भैया का अहम रोल निभाया था। हाल ही में एक फैन के ट्विटर पर किए गए सवाल के जवाब में अली ने बड़ा राज उजागर कर दिया है। अली फजल से ट्विटर पर एक यूजर ने पंचायत देखने और छोड़ने को लेकर सवाल किया और इसके बजाय मिर्ज़ापुर के लिए उम्मीद जताई। इस पर अली फजल ने कहा कि पंचायत देखो, इसमें ही एक बड़ा सुराग छुपा हुआ है। अली फजल के इस जवाब के कई मायने निकलते हैं। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि मिर्ज़ापुर 3 कब रिलीज होगी। मिर्ज़ापुर 3 को लेकर दर्शकों के बीच हलचल बढ़ने लगी है। रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन द ललन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपी गमन के जर्नलिस्ट राहुल रौत ने बताया है कि इस साल जुलाई माह में मिर्ज़ापुर स्ट्रीम हो सकती है। दूसरी ओर मिर्ज़ापुर के दादा त्यागी ने भी रिलीज डेट को लेकर हिंट दिया है। Amazon प्राइम वीडियो ने Instagram पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें दादा त्यागी से एक शख्स कहता है कि आप तो सब जानते हैं, गे कि बताइए ना। इस पर दादा कहते हैं कि 411 शख्स कहता है कि 411 को रिलीज होगी, ये ही गेक है। इसके बाद दादा कहते हैं कि गेक नहीं, हमारा हाइट बता रहे हैं कि हम तुमको शरीर से अदा हैं, दिमाग से नहीं। फिर शख्स कहता है कि अरे दादा हम तो, इसके बाद दादा गुस्से में अपने पास रखे पेपर फेंक देते हैं और कहते हैं कि गेक पूछोगे हमसे तुम, हम क्या पागल हैं जो पहले से गेक बताकर दुश्मनों को मौका दे देंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मिर्ज़ापुर 9 जुलाई को दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ सकती है। अब इसकी रिलीज के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। आपको बता दें अली फजल का अंदाज बेमिसाल है, क्योंकि वो अभिनेता एकदम कमाल है। वैसे तो उन्होंने तमाम किरदार निभाए हैं, लेकिन दुनिया उन्हें गुड्डू पंडित के नाम से बुलाना ज्यादा पसंद करती है। बात हो रही है अली फजल की, जिन्होंने 15 अक्टूबर 1986 के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्म लिया। लखनऊ की गलियों में पले बड़े अली फजल ने अपनी ज़िंदगी में तमाम दिक्कतों का सामना भी किया। दरअसल जब वो 18 साल के थे, उस वक्त उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। हालांकि उन्होंने इन हालातों में खुद को निकाला और अपनी अलग पहचान बनाई। अली फजल ने अपने करियर की शुरुआत हॉलीवुड से की थी। उन्होंने सबसे पहले साल 2008 के दौरान रिलीज हुई इंग्लिश फिल्म द अंडर एग ऑफ द लाइन में कैमियो किया था। इसके बाद 2009 में अमेरिकी टीवी मिनी सीरीज बॉलीवुड हीरो में नजर आए। आप क्या सोचते हैं अली फजल के बारे, हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं मिर्ज़ापुर 3 को लेकर, हमें आप वो भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करें बॉलीवुड केसरी को।